तो दोस्तों, इन द सीरीज ऑफ द सेवन पीस ऑफ लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग प्रोफेशनल और एन एंटरप्रेन्योर, जो सेवन पीस की लिस्ट जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है, बट इज अ गुड रोड मैप टू स्टार्ट विद. इसके बीच के नाकेद मैं थक गया यार थोड़ा. पर्पस, प्राइस, पेन, प्रोसेस, ये सब डिस्क्राइब करने के बाद मुझे लगा यार काफ़ी हो गया इस सीरीज पे, अब हम रहने दे सकते हैं इसको. पर जो नेक्स्ट पी है उसने मुझे मजबूर किया कि लिविंग अप टू द स्पिरिट ऑफ द नेक्स्ट पी दैट हम इस सीरीज को कंप्लीट करें. एंड यू गेस्ट इट राइट, द नेक्स्ट पी इज परसिस्टेंस. परसिस्टेंस यानी द एबिलिटी टू नॉट गिव अप इवन इफ थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट यू. बड़ी पुरानी बड़ी बेहतरीन कहावत है, द रिवर कट्स द रॉक. The river cuts the rock, not because it's powerful, but because it's consistent. आप अगर ग्रैंड कैनियन जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स या कई ऐसे और सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जहाँ देखेंगे आपकी हजारों सालों की ड्यूरेशन में सृष्टि ने कैसे बड़ी बड़ी चट्टानों को तराश कर और वहाँ क्या कुछ बनाया हुआ है, पानी ने, हवा ने. दिस इज़ द पावर ऑफ परसिस्टेंस. वो चीज़ काहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर अगर वो फोर्स कंसिस्टेंटली विद परसिस्टेंस अप्लाई की जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके रिजल्ट्स काफ़ी होते हैं. और एक और बड़ी अहम चीज़ है जो हम जहन में नहीं रखते, दैट्स कॉल्ड द मल्टीप्लायर इफेक्ट. दैट्स कॉल्ड द मल्टीप्लायर इफेक्ट. यानी किसी फील्ड में दोस्तों सबसे पहले जो एफर्ट्स लगते हैं वो सबसे मुश्किल होती हैं. गाड़ी को स्टार्ट करना है जब फिजिक्स की लॉज कहती हैं, जब ए ट्रेन इज पुट इनटू मोशन, सबसे पहले जो इंजन का जोर लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. बट वंस द ट्रेन इज इन मोशन द लॉज ऑफ फिजिक्स टेक ओवर एंड देन उसकी एक्सेलरेशन ईजी हो जाती है. फेमस ईरानियन पोइट हैं सादी शिराजी, जिन्होंने बखूब लिखा है दैट एवरीथिंग हैव पेशेंस, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स ईजी. शुरुआत में परसिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफ़िकल्ट जंक्शर्स पे इस परसिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपको रिजल्ट्स ना मिल रहे हों तब परसिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसमें भगवत गीता में जैसे लिखा है कि डिटैचमेंट काफ़ी काम आएगी आपके, टू डिटैच फ्रॉम. कई बार हम रिजल्ट से इतना ऑब्सेस हो जाते हैं. मैंने वीडियो बनाया यूट्यूब पे, मान लीजिए आप यूट्यूबर हैं, पहला वीडियो बनाया, मैं सारा दिन उसके व्यूज़ ही देख रहा हूँ, मैं कॉमेंट्स ही देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार वो रिस्पॉन्स नहीं आया जो मैंने मन में सोचा था इस वीडियो को बनाने के समय. आप मूवी मेकर हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आप शेफ़ हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपने वो एफर्ट्स लगाई बट इमीडिएटली उसके रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे, ये वो मोमेंट है जब आपको परसिस्टेंस चाहिए होगी, रिजल्ट से डिटैचमेंट चाहिए होगी कि लेट मी गो बैक एंड वर्क अगेन. तो यहाँ मंत्रा ये काम आएगा, चुप करो काम करो, चुप करो काम करो, प्रूफ मत मांगो अभी, चुप करो काम करो. और इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है परसिस्टेंस का, एक व्यक्ति जिनके पास शायद फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है, और परसिस्टेंस के लिए आपको हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की एमबीए डिग्रीज नहीं चाहिए, आपको कॉमन सेंस चाहिए. एक व्यक्ति है जिनका नाम है यादव पयांग, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, इनको ट्री मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. इन्होंने 1979 में जो सबसे पहला 1979 में सबसे पहला जो अपना पेड़ था वो अपने टापू पर उस जगह लगाया जहां जियोलॉजिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि सॉइल इरोजन के कारण ये जगह ख़त्म हो जाएगी. इन्होंने कहा नहीं, ये मेरा घर है, मैं इसे ख़त्म नहीं होने दूंगा, मैं कुछ करूंगा इसके बारे में. और इन्होंने 1979 में जो सबसे पहला जो पेड़ लगाया था उस बंजर ज़मीन के ऊपर, और जैसे जैसे आज वो 1360 एकड़ का बड़ा घना जंगल बन चुका है, लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं. सिंपल से आदमी हैं, सिंपल सी सोच वाले, पर कर्म में बिलीव करते हैं, कर्मयोगी हैं, परसिस्टेंट हैं. वन सैपलिंग ही प्लांटेड एवरी डे एंड ही लुक्ड आफ्टर, ही वाज वाटरिंग दी अदर वंस. और वहाँ से कहाँ, एक पेड़ से आज 1360 का एकड़ का जो जंगल है वो बन गया है. दिस इज़ द पावर ऑफ परसिस्टेंस. सो आपकी लाइफ का कोई भी चुना गया मिशन हो, अगर आप उसको प्रोसेस के साथ, जो मेरा पिछला पी था, प्रोसेस के साथ उसको फॉलो करें, एंड अगर आप परसिस्टेंटली उसको फॉलो करें इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी, देन यू विल सी रिजल्ट्स कैन नॉट एस्केप यू. मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करता हूँ तो मुझे इलॉन मस्क का एग्जाम्पल याद आता है. इनकी कंपनी स्पेस एक्स, जो मार्स को कॉलोनाइज करना चाहती है, स्पेस में नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं उनको, काफ़ी फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है. इन्होंने वर्टिकल लैंडिंग की जो ट्राई की,
जो इतिहास में पहली बार हो रहा था, नहीं तो रॉकेट लॉन्च करके वो फिनिश हो जाते हैं, बट ही वॉन्टेड टू ब्रिंग द रॉकेट बैक ऑन अर्थ एंड लैंड इट बैक वर्टिकली। आप यूट्यूब पर चेक करें कितने इनके रॉकेट्स ऐसे आकर और जैसे उनको टिकना था, खड़े होना था, वो गिर जाते थे। एक्सप्लोजन्स हुए, इनके कितने रॉकेट्स ख़राब हुए, साथ साथ में इनकी रेपुटेशन ख़राब हुई, इनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग ख़राब हुई। ही वॉज क्लोज टू बैंक्रप्सी, लोगों का विश्वास उठता गया इस कंपनी पे। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जहाँ इन्होंने पहले ग्राउंड पे ट्राई किया उस लैंडिंग को, फिर इन्होंने वाटर के ऊपर ट्राई किया क्योंकि वो राफ्ट था जिसको ये मूव कर सकते थे, पर ये नाकामयाब होते गए। बट फाइनली वन फाइन डे, यू नो, थैंक्स टू हिज परसिस्टेंस एंड हिज टीम्स परसिस्टेंस, इतिहास उस दिन इन्होंने रचा जिस दिन वापस वो जो रॉकेट है आके वर्टिकली लैंड हुआ, जिससे स्पेस ट्रैवल का कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है और इनका जो मिशन है मार्स के ऊपर जाकर ह्यूमंस को वहाँ तक पहुँचा के उसको कॉलोनाइज करना, जहाँ तक इसरो में भी उसमें मंगलयान का जो है सॉर्ट ऑफ देर ऑन द सेम लाइन्स, दैट इज़ हिज मिशन, वो मिशन पॉसिबल हुआ। कोई भी बड़ा मिशन एकदम से अकेले नहीं अचीव होता है, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है इनटू स्मॉल पार्ट्स। जब आप ब्रेक डाउन करते हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो मैनेजेबल लगते हैं, वो इजीली आप उनको हैंडल कर सकते हैं और आप परसिस्टेंस के साथ अब उनको अटैक करें तो कोई फोर्स नहीं है दुनिया में जो आपको रोक सकती है। मैं फिर से एक बार एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर को एम्फेसाइज करके इस वीडियो को समराइज करके क्लोज करूंगा। माइंडसेट का बड़ा अहम रोल है दोस्तों, क्योंकि सीढ़ियाँ वही होती हैं जो किसी के लिए ऊपर जा रही हैं और किसी के लिए नीचे आ रही हैं, राइट? फर्क सिर्फ सोच का होता है, और जिस व्यक्ति की सोच गलत हो उसको दुनिया की कोई शक्ति कामयाब बना नहीं सकती, और जिस व्यक्ति की सोच सही हो उसको दुनिया से बड़ी बड़ी से बड़ी ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती। सो सोच का बड़ा अहम फैक्टर रहता है, माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। दिस वॉज द फिफ्थ पी इन द सीरीज ऑफ द सेवन पीज विच वर पर्पज, price, pain, process and persistence. Stay tuned for the last two pieces. Thank you and bye-bye.